प्राकृतिक तौर पर मौजूद पानी और ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। आज भारत की 99% आबादी प्रदूषित हवा में सांस ले रही है। कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पीने लायक पानी जमीनी स्तर से 400 फीट तक नीचे चला गया है, और यह अच्छा संकेत नहीं है। मिट्टी की गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि हमें केमिकल से उगाए गए खाने पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या जीने का एक यही तरीका है? क्या हम हमारे भविष्य और धरती को बचा सकते हैं? ग्रीन पैंथर प्रॉपर्टीज के फाउंडर अमित राव के अनुसार इसका एक समाधान है, और वह है सस्टेनेबल लिविंग। सूरज और हवा की दिशाओं को ध्यान में रखकर ऐसे घर बनाना जिसमें जितना हो सके उतने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हो, जहां जमीन के जल स्तर को बढ़ाने के लिए वाटर रिचार्ज सिस्टम का इंतजाम हो, जहां पॉलिनेट हाउस की मदद से ऑर्गेनिक सब्जी और फल उगाए जाए, नेचुरल बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने और इकोसिस्टम के तापमान को बनाए रखने के लिए 9:1 ग्रीन टू ग्रे रेशियो को फॉलो किया जाए, ऐसे वाटर टैंक बनाए जाए जो ग्रेविटी की मदद से नल तक पानी पहुंचाए, न कि ऊर्जा से, और जहां सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो, क्योंकि इसके बिना तो सस्टेनेबिलिटी की बात अधूरी सी है। इन सब बातों का ध्यान रखा गया है गुजरात के अहमदाबाद के पास बन रहे GPP वन में। ग्रीन पैंथर प्रॉपर्टीज के इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबिलिटी और को एग्जिस्टेंस की नींव पर खड़ा किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए कई छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ती हैं। GPP वन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अगर इन छोटे छोटे कदमों को अधिक संख्या में दोहराया जाए तो इसका कितना बड़ा असर हो सकता है।